नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत। इस समय पे इंडिया में एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के एक नॉन गांधी प्रेसिडेंट बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो इसको देख लेंगे। न्यूज में आपने काफी सुना होगा कि ओवरऑल राहुल गांधी जी ने कमान छोड़ दी, सोनिया गांधी जी अभी के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, तो अब नए प्रेसिडेंट आ गए हैं 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कैसे लीड करेंगे इसको देखा जाएगा। फिर से एक लश्करे तैयबा के टेररिस्ट शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने से चाइना ने बचा लिया है टेक्निकल होल्ड डाल के, इसको देखेंगे। फिर भाई स्पेस टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है और कैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन कर सकता है इसको देखेंगे। फिर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम को 15 स्टेट्स में लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, इसको देखेंगे। तमिलनाडु क्या कर रहा है इंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाने के लिए, इसको देखेंगे। और चाइना का ट्रेड सरप्लस अब तक टोटल $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है सिंस 2000, इसकी बात करेंगे। फिर एडिटोरियल्स में टर्किश फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन, मतलब किस प्रकार से लाइफस्टाइल चेंजेस करके दुनिया भर के लोग क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। मदरसा सर्वे में क्या पॉलिटिक्स है इसकी बात करेंगे। अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस एंड मर्डर्स मोस्ट फाउल, ये भी बेसिकली दो और आर्टिकल में कुल मिला के 5 एडिटोरियल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक और एडिटोरियल है दोस्तों यहां पे कि कौन से चीफ जस्टिस सबसे लंबे समय तक रहे हैं। देखिए क्या है कि पिछले 10 सालों में मैं आपको बता दूं, अभी 9 नवंबर को यूयू ललित साहब का जो टेन्योर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो खत्म होने वाला है, और DY चंद्रचूड़ साहब फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 2 साल 2 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो पिछले 10 सालों में, पिछले एक डेकेड में सबसे लंबा टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाला है किसका, DY चंद्रचूड़ साहब का। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि DY चंद्रचूड़ साहब के जो फादर थे ना, उनका टेन्योर 7 साल का रहा था एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिन्होंने सबसे लंबा टेन्योर काटा है एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मैं कुछ नाम टॉप 5 आपको बताना चाहूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जो कि अभी चीफ जस्टिस बने हुए हैं, ये 14वें नंबर पे होंगे। मतलब 2 साल अगर ये अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो ही विल बी द 14th longest सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टॉप 5 कौन है, तो नंबर 1 पे आते हैं जस्टिस YV चंद्रचूड़, जो कि DY चंद्रचूड़ साहब के फादर हैं। ये 7 साल 4 महीने 19 दिन के लिए रहे थे चीफ जस्टिस। उसके बाद जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये 4 साल 4 महीने 1 दिन के लिए रहे थे चीफ जस्टिस। उसके बाद जस्टिस ANRA, ये 3 साल 9 महीने 4 दिन के लिए रहे थे चीफ जस्टिस। उसके बाद जस्टिस सुधीर रंजन दास, ये 3 साल 7 महीने 30 दिन के लिए रहे थे चीफ जस्टिस। फिर जस्टिस KG बालाकृष्णन, वो 3 साल 3 महीने 29 दिन के लिए रहे थे चीफ जस्टिस। और 14वें नंबर के सबसे बड़े चीफ जस्टिस हैं, मतलब सबसे लंबे चीफ जस्टिस रहेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, 2 साल 2 दिन, ओके 732 दिनों के लिए ये चीफ जस्टिस रहेंगे। समझ गए भाई, तो ये ओवरऑल है। आप मतलब एक छोटा सा आर्टिकल था, अलग से डिस्कस नहीं किया गया, बट DY चंद्रचूड़ साहब का जो टेन्योर है, तो किसी वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है कि DY चंद्रचूड़ साहब इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन विच क्रोनोलॉजी और इन विच हायरार्की और एट विच नंबर, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा 11वां 12वां 13वां 14वें, तो 14th आप लिखोगे। इनके पिताजी सबसे लंबे समय तक 7 साल तक रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। मतलब किसी चीज़ की आपने रट मान रखी, ये करूँगा ये करूँगा, जैसे कैफे खोलूँगा या फिर मैं कॉफ़ी शॉप खोलूँगा, तो हर डिस्कशन में मैं कॉफ़ी शॉप खोलूँगा या फिर हर डिस्कशन में कि यार मैं तो US न्यूयॉर्क घूमने जाऊँगा, तो ओवरऑल कोई चीज़ जो आप बार बार कह रहे हो कि आप करोगे उसको आप कर दो, ताकि करने के बाद अपने सिस्टम से उसको निकाल दो कि हाँ भाई मैंने ये कर ली, गेट समथिंग आउट ऑफ सिस्टम। जैसे कि सेंटेंस में देखिए, यू कीप टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ क्रॉस कंट्री ट्रिप, आई थिंक यू जस्ट नीड टू डू इट एंड गेट इट आउट ऑफ सिस्टम। मतलब तुम बार बार बात करते रहते हो कि क्रॉस कंट्री ट्रिप करूंगा, तो करो और खत्म करो, बार बार उसकी बात मत करो, ये यहाँ पे इसका मतलब हो गया। चलिए GS पेपर 2 पॉलिटिकल पार्टीज, पहली न्यूज, खड़गे विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें, इस लेक्चर की रिकमेंडेशन को YouTube के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। तो भैया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इलेक्ट हो गए हैं न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट, इन्होंने सिक्योर किए हैं 7897 वोट्स, टोटल वोट्स पोलिंग हुई 9385, जिसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के फेवर में गई 7897। इनके जो राइवल थे शशि थरूर साहब,
इनको मिले केवल 1072 वोट्स। तो मतलब बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे जीत गए। 80 साल के हैं और पिछले 24 साल में पहले नॉन गांधी लीडर हैं जो कि कांग्रेस की कुर्सी पर बैठे हैं, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर। 26 अक्टूबर से चार्ज लेंगे। पिछले 137 साल की कांग्रेस की हिस्ट्री में छठी बार ऐसा हुआ है कि टॉप पोस्ट के लिए वोटिंग डाली गई। मोदी जी ने खड़गे साहब को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब जो पहले की कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसको डिस्पैंड किया जाएगा, फिर से लोग मिलेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, फिर जो कांग्रेस की प्रदेश कमेटी जैसे तेलंगाना प्रदेश कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग भी वोटिंग डालेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोग भी वोटिंग डालेंगे और एक नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये जो प्रेसिडेंट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, चीफ एग्जीक्यूटिव है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको एक इलेक्टोरल कॉलेज में सारा चुना जाता है जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट होगा कांग्रेस का, ये पार्टी का नेशनल लीडर होगा, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा, वर्किंग कमेटी का हेड होगा, चीफ स्पोक्सपर्सन होगा पार्टी का और चीफ कांग्रेस कमेटी का हेड होगा, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। उस समय पे इसके लीडर थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। 1885 से लेकर 1933 तक हर साल प्रेसिडेंसी एक साल की होती थी। 1933 के बाद प्रेसिडेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रीमियरशिप के समय जवाहरलाल नेहरू साहब पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रहते, लेजिस्लेटिव पार्टी के प्रेसिडेंट थे बट ओवरऑल पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं थे जवाहरलाल नेहरू साहब। हाँ, पीएम की कुर्सी पर जरूर वो बैठे थे, चलती उनकी बहुत थी। जब कांग्रेस ने सरकार बनाई इंदिरा गांधी जी के अंदर, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस थे कांग्रेस के वो बंद हो गए 1978 के बाद, ठीक है। मतलब ये हो गया, देखिए क्या हुआ था 1978 में, इंदिरा गांधी जी से कुछ कांग्रेस फैक्शंस नाराज भी हो गए थे, तो एक नई आप कह लो पॉलिटिकल पार्टी सी बना दी। चूंकि देखिए कांग्रेस के अंदर भी इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप से सारे पुराने दिग्गज खुश नहीं थे। मैं बता दूं, इंदिरा गांधी जब पावर में आई ना, कांग्रेस के अंदर बहुत पुराने दिग्गज थे और उनको ऐसा लगता था कि ये छोटी सी बच्ची क्या कर लेगी, लेकिन वो छोटी सी बच्ची उन सब की अम्मा थी, ये बात सबको बाद में धीरे धीरे क्लियर हो गई। इंदिरा गांधी जी ने खुद अलग से अपनी कांग्रेस आई बनाई और ये कांग्रेस आई ही एक्चुअल कांग्रेस बन गई कुछ दिनों में, क्योंकि जो बाकी लीडर्स थे वो लोगों के बीच में इतने पॉपुलर नहीं थे। इस कांग्रेस आई को ही नेशनल इलेक्शन कमीशन ने रियल इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर कर दिया 1980 के जनरल इलेक्शंस के लिए। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने एक प्रैक्टिस बना दी कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। तो राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी वही थे, पीवी नरसिम्हा राव के समय पे भी ऐसा ही था, इंदिरा गांधी के समय पे भी ऐसा ही था, लेकिन मनमोहन सिंह जब 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने उस समय पे पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी, तो मनमोहन सिंह पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रहे। समझ गया आप बात को। फिर आगे अगर आप देखो अगली न्यूज, जीएस पेपर 2-3, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज और इंडियाज इंटरेस्ट लिंक्स टू टेररिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने फिर से एक प्रपोजल पास कराना चाहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शंस कमिटी के अंदर। तो यहाँ पे लश्कर ए तैयबा का जो फाउंडिंग चीफ है हाफिज सैयद, उसका बेटा तालहा सैयद और शाहिद महमूद जो कि डेप्यूटी चीफ है ऑफ अ फ्रंट फॉर द लश्कर ए तैयबा, मतलब लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट है फला ई इंसानियत फाउंडेशन, इसका डेप्यूटी चीफ है शाहिद महमूद। तो तालहा सैयद और शाहिद महमूद को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की कोशिश की दिल्ली और यूएस, दिल्ली वॉशिंगटन मतलब इंडिया और यूएसए ने मिलकर। क्यों? चूंकि ये दोनों मिलकर फंड्स प्रोक्योर करते थे और रिक्रूटमेंट करते थे लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के लिए। जमात उद दावा वो ग्रुप है लश्कर ए तैयबा के साथ एसोसिएटेड है जिसने 26/11 मुंबई अटैक्स करवाए थे। अभी इन दोनों के खिलाफ ही जो टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने वाली बिड थी इसको चाइना ने टेक्निकल होल्ड पे डाल दिया ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। और ये तब हुआ है जब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब इस समय पे मुंबई आए हुए हैं, मुंबई में 26/11 मेमोरियल पे गए हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन टेरर की बात हो रही है, इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग करने वाली है जिसमें चाइना के यूएन एम्बेसडर मुंबई में आएंगे, 26/11 मेमोरियल विजिट करेंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद चाइना यहाँ पे इन आतंकवादियों को ग्लोबली टेररिस्ट डेजिग्नेट होने से रोक रहा है। एक तरफ उइघुर माइनॉरिटीज को लेके जब चाइना के अगेंस्ट वोटिंग की बात होती है तो इंडिया उसको अपोज करता है, इंडिया चाइना के फेवर में बात करता है, और वहीं पे इंडिया में जिसने टेररिस्ट अटैक करवाए लोगों की जाने गई, जब उनको अकाउंटेबल करने की बात होती है तो चाइना सीधे सीधे अगेंस्ट हो जाता है। चाइना का ये बोलना है कि भाई हम तो ओवरऑल अभी इस पर्टिकुलर टेररिस्ट वाले क्लेम को स्टडी करेंगे और फिर हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे।
अब जब टेक्निकल होल्ड डालती है एक कंट्री, तो स्टडी करने का टाइम होता है 6 महीने का, बाद में 3 महीने का एक्सटेंशन लिया जा सकता है। अब चाइना ने जो ब्लॉक मारा है वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्लेनरी सेशन होने वाला है पेरिस में, और शायद इस प्लेनरी सेशन पेरिस की मीट में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। 2018 से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इससे पहले भी लश्करे तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की और 26/11 का टेररिस्ट हैंडल साजिद मीर, उसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद का डिप्टी रौफ असगर, इन सब को 1267 कमिटी में डेजिग्नेट, टेररिस्ट डेजिग्नेट होने से रोका है किसने? चाइना ने। चाइना का ये बोलना है कि भैया हमें इस लिस्टिंग को स्टडी करने के लिए समय चाहिए, सफिशियंट एविडेंस होगा तो हम जरूर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। नई दिल्ली पहले भी बोल चुका है कि चाइना के स्टेप्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, बट चाइना को एक्चुअली में कोई फर्क पड़ता नहीं। अभी जो दो आतंकवादी हैं ताला सईद शाहिद महमूद, ये इंडिया के अंदर ऑलरेडी टेररिस्ट डेजिग्नेटेड है, और US जो ट्रेजरी लिस्ट है LET की टॉप लीडरशिप में, उसमें भी इनका नाम आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये बोलना है कि जो हाफिज ताला सईद था, ही वॉज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अटैक्स बाई लश्कर ए तैयबा इन इंडिया एंड ऑन इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान में जो इंडियन इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर भी अटैक करवाने में इस हाफिज ताला सईद का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है भाई, और ओवरऑल लश्कर ए तैयबा के मीडिया और प्रोपोगेंडा ऑपरेशन पाकिस्तान में चलाने के लिए भी हाफिज ताला सईद का एक मेजर रोल है, ऐसा US का भी बोलना है। उसी प्रकार से अगर आप शाहिद महमूद की बात करो, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हिसाब से एक टेरर फंडिंग केस में शाहिद महमूद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और इसने लश्कर ए तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद के साथ मिलकर दिल्ली और हरियाणा में स्लीपर सेल्स बनाने की बात की है अंडर द कवर ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटी वर्क एंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। अगर आप शाहिद महमूद की बात करो तो ये इंडिया की मोस्ट वांटेड UAPA टेररिस्ट लिस्ट में नंबर 17 पे आता है 2020 की टेररिस्ट लिस्ट के हिसाब से। फिर अगर आप देखो तो 2016 में US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने शाहिद महमूद और मोहम्मद सरवार को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है फॉर देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज इन लश्कर ए तैयबा, और लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन इन म्यांमार, बांग्लादेश, सीरिया, टर्की, गाजा, इन सबको कोऑर्डिनेट करता है शाहिद महमूद। तो इतने कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी यहां पे चाइना टेक्निकल होल डाल रहा है, इस बात से आप पता कर ही सकते हो ओवरऑल कि चाइना के यहां पे स्टैंड क्या है। ब्लॉकिंग पैटर्न है चाइना का। मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ था, इसके खिलाफ 2009 में टेररिस्ट डिजिग्नेट करवाने के लिए सैंक्शंस कमिटी ने, इंडिया ने अपील जारी की, चाइना ने ब्लॉक किया। फिर अगेन 2016 में इंडिया ने अपील जारी की, चाइना ने ब्लॉक किया। 2017 में इंडिया ने अपील जारी की, चाइना ने ब्लॉक किया। 2019 में फाइनली चाइना ने माना कि हाँ भाई ठीक है, इसको टेररिस्ट बना दो। मतलब 2009 से लेकर 2019, 10 साल तक चाइना ने यहाँ पे मसूद अजहर को प्रोटेक्ट किया, खासकर तब जब इंडिया ही नहीं, US, UK, फ्रांस भी चाहते थे कि इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए। उसके बाद अगर आप देखो तो अब्दुल रहमान मक्की, जून 2022 में इंडिया ने इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाने की कोशिश की, चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। सेम हुआ अब्दुल रौफ असगर के साथ, ये हुआ अगस्त में। सेम हुआ आपका शाहिद महमूद के साथ जो कि अभी हुआ है अक्टूबर में। तो चाइना का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो कि इंडिया के ऊपर अटैक करवाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी की बात कर लेते हैं, इसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या इंडिविजुअल को कैसे लिस्ट किया जाता है एज अ टेररिस्ट। तो कोई भी जो मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो एक प्रपोजल सबमिट कर सकता है फॉर लिस्टिंग एन इंडिविजुअल ग्रुप और एंटिटी एज टेररिस्ट एंटिटी। इस प्रपोजल में क्लियर होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल ग्रुप या एंटिटी किसी टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्लानिंग, फैसिलिटेशन, प्रिपेयरिंग एक्ट ऑफ, आप कह लो टेररिज्म, जिसमें इसका क्लियर रिंक नजर आ रहा है आइसिल, दाएश के साथ, अलकायदा के साथ या किसी एफिलिएट ग्रुप के साथ। और ये जो लिस्टिंग और डीलिस्टिंग होती है ना टेररिस्ट की, ये कंसेंसस के हिसाब से होती है। यहाँ जो प्रपोजल होता है सारे मेंबर्स को भेजा जाता है, अगर सारे मेंबर्स ने 5 वर्किंग दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो मतलब ये मान लो प्रपोजल अडॉप्टेड है, और अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करता है तो मतलब ओवरऑल उसको समय चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ होती है टेक्निकल होल्ड, मतलब जब प्रपोजल गया है अडॉप्ट होने के लिए तो 5 दिन तक सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर शांत है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके टेररिस्ट डेजिग्नेट होने में, बट चाइना ने यहाँ पे टेक्निकल होल्ड लगा दिया। अब टेक्निकली अगर टेक्निकल होल्ड लगा दिया जाए तो मतलब वो कंट्री यहाँ पे स्टडी कर रहा है कि ये लिस्टिंग सही है कि नहीं है,
तो टेक्निकल होल्ड के हिसाब से 6 महीने तक वो पर्टिकुलर कंट्री जिसने टेक्निकल होल्ड लगाया है वो इस बात को स्टडी करेगा कि हाँ भाई सच में इस इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। 6 महीने के बाद एक 3 महीने का एक्सटेंशन लिया जा सकता है, और उसके बाद समझिए उसके बाद फिर से प्रपोजल अगर मूव करता है तो ब्लॉक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री को टेररिस्ट ना डिजिग्नेट करवाने के लिए। तो अभी के लिए चाइना ने ब्लॉक नहीं किया, टेक्निकल होल्ड लगाया, तो टेक्निकल होल्ड से पहले 6 महीने और 3 महीने का एक्सटेंशन, मतलब 9 महीने तक चाइना इन टेररिस्टों को बचा सकता है फ्रॉम बीइंग डिजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट GS 23 स्पेस एंड टेक डिफेंस टेक, वी हैव टू वर्क फास्ट टू सॉल्व वेरियस चैलेंजेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, मोदी जी ने बोला। तो भैया तीनों सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स इनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए स्पेस इंडस्ट्री बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है, ऐसा प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जब ये डेफ एक्सपो में विशन डेफ स्पेस के बारे में बात कर रहे थे। इसके साथ मोदी जी ने 4th डिफेंस इंडिजनाइजेशन लिस्ट भी जारी की है जिसमें 101 एडिशनल आइटम्स के इंपोर्ट को हम रोकेंगे एज पर सर्टेन टाइमलाइंस। देखिए क्या है, ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये इंडिया की जनरस स्पेस डिप्लोमेसी के नए डेफिनेशंस को पुट अप कर रहा है। आज की डेट में इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी से केवल इंडिया बेनिफिट नहीं कर रहा है, बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज बेनिफिट कर रही हैं, छोटी मोटी कंट्रीज हमारे स्पेस सेक्टर को इस्तेमाल कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप और अमेरिका की भी हमारे स्पेस सैटेलाइट डाटा को इस्तेमाल कर रही हैं। अगले साल से 10 एशियान मेंबर्स भी इंडिया के सैटेलाइट डाटा को रियल टाइम में इस्तेमाल करने लगेंगे। स्पेस साइंस में 60 डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया के साथ डायरेक्टली इंगेज कर रही हैं। इस समय पे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जो कि रिटायर्ड हैं वो ये बताते हैं कि इंडियन स्पेस सेक्टर में और खासकर इंडिया के डिफेंस स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री को भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पहले क्या था कि प्राइवेट इंडस्ट्री की डिफेंस फील्ड में एंट्री नहीं थी, अब ओपन एंट्री यहां पे दी जा रही है। फिर इसके साथ साथ देखो तो 4th इंडिजनाइजेशन लिस्ट मोदी जी ने रिलीज की है। इससे पहले 1st, 2nd और 3rd पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं 21st अगस्त 2020 को, 31st मई 2021 को, 7 अप्रैल 2022 को, जिसमें 310 आइटम्स हैं। तो ये बेसिकली जो आइटम्स होते हैं ना जो कि इन चार लिस्टों में लिखे हुए हैं इनके लिए सर्टेन टाइमलाइन डिसाइड की है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर आइटम को आप इस पर्टिकुलर डेट तक बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, तब तक इंडिया के पास पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको इंडिया के अंदर बनाने के लिए। इस प्रकार की टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जो क्रिटिकल डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें करना ही पड़ेगा, उसके लिए कैसे ना कैसे करके हमें खुद अपने हथियार बनाने आने चाहिए। कल की डेट में चाइना पाकिस्तान से युद्ध लड़ गया तो हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि फ्रांस से जब गोलियां आएंगी या बंदूकें आएंगी तब हम उनको चलाएंगे, हमारे पास खुद उन्हें बनाने की ताकत होनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने HTT-40 इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर अनवील किया जिसको डेवलप किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द ही अप्रूवल देगी कि भाई एयरफोर्स इन पर्टिकुलर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर कर सके पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। फिर जो दीसा एयरफील्ड है गुजरात में जो कि फॉरवर्ड एयरबेस है बहुत पास है पाकिस्तान बॉर्डर के, इसके फाउंडेशन स्टोन को भी ले डाउन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। फिर अगली न्यूज है गवर्नमेंट टू लॉन्च स्वदेश दर्शन 2 विथ चूजन डेस्टिनेशन फ्रॉम 15 स्टेट्स, GS 23 में चीज आपको काम आएगी। तो भैया 15 स्टेट्स में साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें प्रयागराज, चित्रकूट, ग्वालियर, इस प्रकार की बहुत सी साइट्स हैं जिनको इंडिया की नई डोमेस्टिक टूरिज्म पॉलिसी में प्रमोट किया जाएगा। इसको बोला जा रहा है स्वदेश दर्शन टू जनवरी से शुरू हुआ, ठीक है, बेसिकली जनवरी 2023 से शुरू होगा। इससे पहले स्वदेश दर्शन 1 भी आ चुका है, ठीक है ना। तो ये स्वदेश दर्शन वाला कंसेप्ट पहली बार लॉन्च किया गया था केंद्र की सरकार के द्वारा 2014-15 में फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, जैसे बुद्धा सर्किट, ठीक है ना। तो बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी रिलीजियस साइट्स थी और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स थी वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया गया। तो पहला जो स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च हुई थी 2014-15 में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे दे रहा था टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। स्कीम को स्वच्छ भारत स्कीम, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात की गई थी, टूरिज्म सेक्टर के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की बात की गई थी। बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्कल, अम्बेडकर टूरिस्ट सर्कल, नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट सर्कल, ये सब बनाए गए थे। उसी के हिसाब से अगर आप देखो
तो अब स्वदेश दर्शन पार्ट टू आया। स्वदेश दर्शन पार्ट टू में थीम बेस्ड नहीं है, मतलब अंबेडकर टूरिस्ट सर्कल, नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट सर्कल, बुद्धा टूरिस्ट सर्कल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल डेस्टिनेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में झांसी और प्रयागराज को शॉर्टलिस्ट किया गया, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट और खजुराहो को शॉर्टलिस्ट किया गया, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा को शॉर्टलिस्ट किया गया। ऐसे 15 स्टेट्स में से साइटें शॉर्टलिस्ट हुई, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आप कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। तो ओवरऑल इन डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया गया है राज्यों से बातचीत करने के बाद, और पैसा यहाँ पे रिलीज किया जाएगा केंद्र की सरकार के द्वारा। ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, ठीक है भाई। तो स्वदेश दर्शन 2.0 के अंदर सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस विद टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन सेंटरिंग अप्रोच, ये हमें यहाँ पे प्रमोट करनी है। 2021 में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे कितने थे, 677 मिलियन, 67 करोड़ 70 लाख, ठीक है ना, 67 करोड़ 70 लाख। 2022 में ये नंबर 57 करोड़ तक आ चुका है, 57 करोड़ 20 लाख तक आ चुका है, 572 मिलियन। हम इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म तो हमको करना ही है, डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ाना है। टूरिज्म से होता क्या है कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, लोकल यूथ को टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग मिलती है, उनकी स्किल्स इन्हेंस होती हैं, टूरिज्म बढ़ता है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ओवरऑल लोकल कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज को लोग प्रिजर्व करने लगते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को तो देखने के लिए टूरिस्ट आएंगे। थर्ड टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट के हिसाब से 2017-18 में टूरिज्म 14.78% लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, 2018-19 में 14.87%, 2019-20 में 15.34%। मतलब अगर 100% जॉब हैं टोटल, तो 14.78, 14.87 और 15.34% नौकरियां टूरिज्म से आ रही थी। 2017-18 में 7 करोड़ 26 लाख नौकरियां क्रिएट हुई टूरिज्म से, 2018-19 में 7 करोड़ 58 लाख, 2019-20 में 7 करोड़ 98 लाख, समझ गए। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तमिलनाडु मिशंस टू सेव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स। 1993 से लेकर 2003 के बीच में इंडिया की वल्चर पॉपुलेशन 96% गिरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो एक्शन प्लान्स पेश किए हैं, पहला एक्शन प्लान पेश किया गया 2006 में, दूसरा एक्शन प्लान पेश किया गया 2020 से लेकर 2025, मतलब दूसरा एक्शन प्लान टू सेव वल्चर्स अभी ऑन गोइंग है, ठीक है भाई। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर नेशनल प्लान को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात क्लियर की कि भाई स्टेट की लेवल पे भी कमिटीज बनानी पड़ेंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स को बचाने के लिए, और इसी को फॉलो करते हुए तमिलनाडु की सरकार ने एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई है, ताकि स्टेट में इफेक्टिव कंजर्वेशन किया जा सके वल्चर्स का। वल्चर्स इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने भी एक स्टेट लेवल कमेटी बना दी। तमिलनाडु में 4 स्पेशी मिलती है वल्चर्स की, ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर। तो पहली जो तीन है, ओरिएंटल वाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड वल्चर, ये तो भाई नीलगिरी और सत्यमंगलम डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत नॉर्मली पाई जाती हैं, लेकिन इजिप्शियन वल्चर केवल एक जगह पे दिखी है, धर्मपुरी। तो इजिप्शियन वल्चर ठीक ठाक क्वांटिटी में नहीं है तमिलनाडु में, बाकी तीन तो बहुत ठीक ठाक क्वांटिटी में पाई जाती है। अब ये कमेटी का 2 साल का टेन्योर है, ओवरऑल एग्जिस्टिंग वल्चर साइट्स को स्टडी करना, वहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेना, सेफ जोन्स बनाना वल्चर ब्रीडिंग के लिए, ये सब चीज़ें ओवरऑल हैं। अब देखिए डाइक्लोफिनाक को तो बैन ही कर दिया गया, डाइक्लोफिनाक नाम के ड्रग के बारे में आपको पता ही होगा, इससे पहले यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में कई बार इससे रिलेटेड सवाल ही पूछा जा चुका। डाइक्लोफिनाक एक वेटरनरी ड्रग था जो कि कैटल वगैरह को दिया जाता था, जब ये कैटल मर जाता था तो कैटल के कारकासेस को जब वल्चर्स खाती थी तो ये डाइक्लोफिनाक वल्चर्स में पहुंच जाता था, और वल्चर्स के लिए डाइक्लोफिनाक इज लाइक का पॉइजन, ये वल्चर्स बड़ी क्वांटिटी में मरने लगे। जब बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि भाई वल्चर्स की मरने की वजह क्या है, तो डाइक्लोफिनाक को बैन किया गया। इंडिया में जो वल्चर स्पेशीज है जेनिस जिप्स की, लॉन्ग बिल्ड जिप्स इंडिकस, स्लेंडर बिल्ड जी, टेन्यूरोस्ट्रस, ये 97% घट गई थी डाइक्लोफिनाक की वजह से, और जो वाइट रम्ड जो वल्चर्स हैं वो 99% घट गई थी 1992 से 2007 के बीच में। फिर वल्चर पॉपुलेशन को लेके कुछ और बात की जा रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी इस बात का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि वल्चर पॉपुलेशन कितनी होगी। जैसे मान लो नीलगिरी लैंडस्केप में टाइगर की आबादी बढ़ गई, तो जितने ज्यादा टाइगर होंगे उतने ज्यादा टाइगर मरेंगे, जितने ज्यादा डियर होंगे उतने ज्यादा डियर मरेंगे। अब जब वो मरेंगे तो उनको खाएगा कौन, वल्चर खाएंगे, तो वल्चर के लिए अगर इनफ अमाउंट ऑफ फूड रहेगा तो भी वल्चर की आबादी बढ़ेगी।
तो बढ़ती वाइल्ड लाइफ के चलते भी इंडिया में वल्चर की पॉपुलेशन थोड़ी स्टेबलाइज हुई है। वल्चर का सोशल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि वल्चर इन्वायरमेंट को क्लीन करती हैं। दे आर द लास्ट लेवल स्कैवेंजर। इंसान मरता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग हिसाब से। हिंदू धर्म में जलाया जाएगा, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाएगा, क्रिश्चियंस में दफनाया जाएगा, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। आपका पालतू जानवर है तो जरूर आप उसको दफना दो ओवरऑल अपने प्यार में, लेकिन ज्यादातर जानवर जो जंगल में मरते हैं वो वहीं पड़े पड़े सड़ जाते हैं, और उनके कैरकेसेस को जल्दी सड़ाने में, खाने में कौन रोल प्ले करता है? वल्चर्स रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट है जीएस पेपर 2, बायलेटरल ट्रेड। चाइनाज टोटल ट्रेड सरप्लस विद इंडिया सरपासेस $1 ट्रिलियन। देखिए, चाइना ने इंडिया से हमेशा एक फेवरेबल ट्रेड बैलेंस को एंजॉय किया, मतलब चाइना ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, कम इंपोर्ट किया है इंडिया से। अगर आप देखें तो क्यूमुलेटिवली 2000 से लेके अब तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा का शॉर्टफॉल हो चुका है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में इंडिया चाइना के। मतलब हमने अगर एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट देखे तो इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट से $1 ट्रिलियन ज्यादा रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। मतलब हमने अपने देश का $1 ट्रिलियन से ज्यादा चाइना को दे दिया सिर्फ उनके सामान को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। 2021 का डाटा उठा के देखा जाए तो हमने चाइना से इंपोर्ट किया $125.6 बिलियन का, जिसमें से बायलेटरल ट्रेड $125.6 बिलियन का था, जिसमें से इंपोर्ट $97.5 बिलियन के थे। मतलब आप समझ लो कि हार्डली हमने यहाँ पे $28 बिलियन एक्सपोर्ट किया है चाइना को। जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो है $70 बिलियन। सोचिए $70 बिलियन, $1 बिलियन को 8,000 करोड़ रुपए अगर आप मानो तो 5,60,000 करोड़ रुपए का ट्रेड इम्बेलेंस, और ये धीरे धीरे बना है। 2000 की बात करो तो 2000 में $3 बिलियन का इंपोर्ट किया था हमने चाइना से, ओके 2008 में $42 बिलियन का। अब तो खतरनाक ही इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं अगर ट्रेड इम्बेलेंस ना हो। अगर हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट करें तो बात है, नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में 2000 से लेकर अब तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा का फर्क आ चुका है। तो आप इस तरीके समझ सकते हो कि हम चाइना के रिस्पेक्ट में बहुत डिसएडवांटेज है। अब उसके फायदे भी, जैसे चाइना से जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम इंपोर्ट करते हैं उससे दवाइयां बनाते हैं, और दवाइयां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से आने वाले सारे इंपोर्ट हमारे नुकसानदायक ही हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें यह भी याद दिलाते रहते हैं कि इकोनॉमिकली हम चाइना से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे हैं, और टेक्नोलॉजिकली भी। इकोनॉमिकली क्यों? और देखिए, इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजी ये समझिए, आज की डेट में अगर हम चाइनीज इंपोर्ट्स को ना लाएं तो सवाल उठता है हम इंपोर्ट कहाँ से लाएंगे। दूसरा, चाइना के ऊपर ये जो हमारी ट्रेड डिपेंडेंस है, इससे चाइना हमें बहुत सारे दूसरे फील्ड्स में मजबूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, समझ। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं। इंडिया के बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स क्या हैं चाइना से? तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ऑटो और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। आप सोचो, पैंडेमिक के समय पे चाइना से इंपोर्ट बंद हुए थे तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कैसे अपना काम चलाएंगे, इस हद तक हम डिपेंडेंट। आज आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाओ अब तक तो दबा दीजिएगा। तो पहला आर्टिकल है टर्किश फॉरेन पॉलिसी, द ईस्ट वेस्ट डिवाइड। देखिए क्या है, टर्की के रोल को लेके यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ईस्ट वेस्ट हॉस्टिलिटी तगड़ी है। एक तरफ ईस्टर्न डोमेन में रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। अब यूक्रेन को आप वेस्ट बोल लो या सेंट्रल बोल लो, यूक्रेन बेसिकली इस समय पे यूरोप और यूएस वाले खेमे में है, तो आप कह सकते हो वेस्टर्न लॉट को बिलोंग करता है। तो वेस्ट ईस्ट के बीच में लड़ाई हो रही है। अब यहाँ पे एक कंट्री है जो बीच में मीडिएशन कर रही है, वो है टर्की। और टर्की इस समय पे बहुत सी कंट्रीज़ के साथ पैरेलली मीडिएशन कर रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो, यूएई हो, रिसेंटली टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगन, ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लपिड के साथ मिले यूएन जनरल असेंबली के मीट के समय पे, शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी इंटरेस्ट के बारे में बातचीत हुई। फिर 19 अगस्त को मिस्टर अर्दोगन सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद के साथ मिले और बोले कि पॉलिटिक्स में कोई रिजेंटमेंट नहीं होना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टर्की अपने इंटरेस्ट भी देख रहा है, जैसे कि जब बात आई स्वीडन की मेंबरशिप की ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तब टर्की ने साफ साफ बोला कि ये स्वीडिश जो कंट्री है स्वीडन, ये कुर्दिश लीडर्स को, वो कुर्दिश लीडर्स जिन्होंने ओवरऑल टर्की के अगेंस्ट एक लंबी लड़ाई की है, उनको पनाह देते हैं। तो ये जो कुर्दिश मिलिटेंट्स को पनाह दे रखी है स्वीडन ने, उनको पहले रिहा करें और ओवरऑल टर्की के पोजेशन में दें, तब हम नाटो ज्वाइन करने देंगे स्वीडन को। इस बात को लेकर टर्की थोड़ा नाराज है। तो स्वीडन को लेकर टर्की का स्टांस थोड़ा एंटी है।
फिर फेलो मेंबर ग्रीस को लेके टर्की का स्टांस थोड़ा एक्टिव है, इधर टर्की है इधर ग्रीस है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन ओशन में बहुत सारे गैस रिजर्व हैं जिनको लेके अक्सर कर ग्रीस और टर्की एक दूसरे के साथ लड़ते हुए एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम लांछन लगाते हुए नज़र आते हैं। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के जो ग्रीस के साथ रिलेशन बढ़ रहे हैं इस बात को लेके भी टर्की को प्रॉब्लम है। अभी क्या हुआ कि कुछ एजियन आइलैंड, एजियन सी है वो बिल्कुल आप कह लो टर्की और ग्रीस के बीच में, वहाँ पे कुछ आइलैंड्स जो कि ग्रीस के कंट्रोल के अंदर है वहाँ पे यूएस मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई। अब इस बात को लेके टर्की को प्रॉब्लम है। टर्की बोल रहा है कि ये जो यूएस मिलिट्री एजियन आइलैंड्स पे डिप्लॉयड है ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीस ये टर्की की सोवरेनिटी का वायलेशन है, ये ट्रीटी ऑफ लुजून 1923 और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1947 को वायलेट करता है। फिर दो और आइलैंड, एक तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी जहाँ पर टर्की ग्रीस दोनों आते हैं, और एक है साइप्रस का डिस्प्यूट। अब ओवरऑल यहाँ पे साइप्रस, अब साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ, आधे साइप्रस को टर्की ने कब्जा रखा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी केस में जब ओवरऑल स्टेटमेंट आता है टर्की का कश्मीर के ऊपर इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कौन सी टेरिटरी, खैर क्वेश्चन क्या पूछूँ मैंने आपको जवाब ऑलरेडी बता दिया, नॉर्दर्न साइप्रस की बात कर रहा हूँ। साइप्रस के नॉर्थ के हिस्से को टर्की ने कब्जा रखा है और इसको नाम दिया है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। तो इंडिया ने भी अपना फॉरेन पॉलिसी स्टांस क्लियर कर दिया, जब भी टर्की कश्मीर के एंटी बोलता है इंडिया नॉर्दर्न साइप्रस के एंटी बोलता है। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं इंडिया की काम भी आई है, टर्की का जो एंटी कश्मीर स्टांस रहा है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली सामने निकल के आता है वो थोड़ा दब गया है, ठीक है, चूंकि टर्की बिना मतलब से एक पंगेबाजी मोल के इंटरनेशनली अपनी इमेज गिराना नहीं चाहेगा इंडिया को कश्मीर के ऊपर बातचीत करके। बहरहाल अपनी रीजनल पॉलिटिक्स में टर्की काफ़ी एक्टिव है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप साइप्रस की बात, तो साइप्रस ने यूएस के कहने पे रशियन नेवल वेसल्स को रीफ्यूलिंग और रिपेयर फैसिलिटीज देने से मना कर दिया। अब जैसे ही साइप्रस ने यूएस की ये बात मानी तो साइप्रस के पास, साइप्रस के ऊपर कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, मतलब यूएस के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस सप्लाईज हैं वो साइप्रस में नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस यूएस ने लगा रखी थी। लेकिन जैसे ही रशियन नेवल वेसल्स को रिफ्यूलिंग देने से मना किया साइप्रस ने, यूएस ने अपने फिर से डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिज्यूम कर दिए हैं टू साइप्रस, मतलब साइप्रस के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं यूएस के। और ये साउदर्न साइप्रस की बात हो रही है क्योंकि नॉर्दर्न साइप्रस आधे को तो टर्की ने कब्जा रखा है। तो टर्की को इस बात से प्रॉब्लम है कि यार ये जो यूएस मिलिट्री है वो साउदर्न साइप्रस में पहुंच रही है, यूएस के वेपन साउदर्न साइप्रस में पहुंच रहे हैं, तो ये बात हमें पसंद नहीं आ रही है। इसलिए टर्की ने भी ओवरऑल नॉर्दर्न साइप्रस पे अपनी फोर्सेस को 40,000 ट्रूप्स कर दिए, ठीक है। तो ओवरऑल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जहाँ पे साइप्रस है, एजेंसी के आइलैंड्स हैं, वहाँ पे ओवरऑल एक्सेस जो प्रेजेंस बढ़ रहा है यूएस का, इससे टर्की नाराज हो रहा है और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स दे रहा है और कुछ एक्शंस ले रहा है। फिर ग्रीस के साथ पंगेबाजी में टर्की ने क्या किया कि एक एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया त्रिपोली बेस्ड लिबियन गवर्नमेंट के साथ, ताकि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को खंगाला जा सके। और जब आप हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को खंगालोगे तो ग्रीस की तरफ से एक क्लेम निकल के आएगा कि ये रिसोर्सेज हमारे हैं पूरी तरीके से टर्की के नहीं है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अच्छे खासे गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं और ये गैस और ऑयल रिजर्व्स प्रॉपर तरीके से एरिया में डेजिग्नेटेड नहीं है, कितना टर्की का कितना ग्रीस का ये डिफाइंड नहीं है, इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, इसलिए अक्सर कर दोनों के बीच में एक इशू सा क्रिएट हो जाता है कि कितना तुम्हारा कितना तुम्हारा, समझ गए बात को। फिर ओवरऑल रशिया के मुद्दे को लेकर देखा जाए तो यूक्रेन वॉर में मीडिएट किया है टर्की ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूक्रेनियन ग्रेन को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने की बात हो तो पहला यूक्रेनियन ग्रेन जो ओडेसा से निकला था 1 अगस्त को, इस शिपमेंट को सेफली बाहर निकालने में टर्की का मेजर रोल था। और उसके बाद अगले 1.5 महीनों में 3 मिलियन टन ग्रेन्स यूक्रेन से बाहर निकल चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट को ब्रोकर करने में टर्की का मेजर रोल रहा है। अब बात करते हैं रशिया टर्की टाइस की। देखिए रशिया टर्की टाइस पूरी तरीके से अच्छे नहीं है बट पूरी तरीके से खराब भी नहीं है। कुछ मुद्दे जैसे सीरिया, आर्मेनिया, लिबिया और ईस्ट मेडिटेरेनियन को लेकर रशिया टर्की के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेड और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रशिया टर्की एक दूसरे के साथ इंगेज भी कर रहे हैं। रशियन इन्वेस्टमेंट बड़ी क्वांटिटी में आए हैं टर्किश बैंक्स में। $15 बिलियन का ट्रांसफर एक रशियन न्यूक्लियर कंपनी ने, रोजाटोम ने, अपने टर्किश ट्रांसफर को किया। चूंकि ओवरऑल देखो रशिया के अंदर अकुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए बहुत से इक्विपमेंट्स टर्की से खरीदे गए जिसके लिए रशिया ने टर्की को पेमेंट भी किए। रशिया ने बहुत सारे टर्किश बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी किए हैं। टर्की का जो एक्सपोर्ट है रशिया के अंदर
वो 75% बढ़ा है पिछले एक साल में। रशियन एनर्जी को एक बड़ी क्वांटिटी में टर्की ने इंपोर्ट भी किया, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्लादिमीर पुतिन ने यह आइडिया भी सामने रख दिया कि टर्की एक हब की तरह काम कर सकता है। जो भी रशियन गैस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करनी है वो पहले जाए आप कह लो इस्तानबुल में या फिर टर्की के किसी पोर्ट पे, और वहाँ से ट्रांसशिप हो पूरी दुनिया में, यूरोप में, जहाँ जहाँ पे भी ट्रांसशिप होना चाहिए। तो मतलब रशिया के साथ टर्की बहुत प्रोएक्टिव बेसिस पे इंगेज कर रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टर्की ने यह भी बोला है कि हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहेंगे। टर्की अपने आप को एर्डोगन के अंदर एक ग्लोबल पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसे समय पे हो रहा है जब टर्की के अंदर इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। 80% से ज़्यादा टर्किश इन्फ्लेशन हो चुका है। टर्की की करेंसी लीरा ज़बरदस्त तरीके से गिरी है, इस हद तक गिरी है कि जो टूरिस्ट इस समय पे टर्की में जा रहे हैं वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ले ही नहीं रहे पेमेंट, वो यूरो या डॉलर में पेमेंट लेने को घूम रहे हैं। एंटी कुर्डिश हॉस्टिलिटी और ग्रीस के साथ कन्फ्रंटेशन, ये दो मुद्दे अगर टर्की की पॉलिटिकल क्लास उठाती है तो टर्की के लोगों को बहुत पसंद आता है। टर्की के लोगों को कुर्ड ज़्यादा पसंद नहीं आते, ग्रीस ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो उनके मुद्दे को लेके हमेशा माहौल गर्म रखो तो टर्की के लोग खुश हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे को लेके भी शायद रसिप तैयब अर्दोगन को लगा कि माहौल गर्म रखेंगे तो टर्की के लोग खुश होंगे, बट उससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ नहीं टर्की को। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने नॉर्दर्न साइप्रस का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, तो कश्मीर के मुद्दे को तो उस लेवल पे टर्की इस समय पे नहीं उठा रहा। हालांकि आगे आने वाले समय में इंडिविजुअल फोरम में कभी ना कभी ये स्टेटमेंट दे ही देंगे कश्मीर को लेके, पर डेली के बेसिस पे उसको लेके बहुत ज़्यादा भावुक नहीं हो रहे हैं टर्की वाले। लेकिन अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए ग्रीस के अगेंस्ट बात करना, कोड हॉस्टिलिटी के अगेंस्ट बात करना, ये अपने आप में टर्की कर रहा। फिर अपनी पुराने ओटोमन ट्रेडिशंस को फैलाना, ओटोमन ग्लोरी को अपील करना। यूरोप और एशिया के एक बड़े ही यूनिक कॉन्फ्लुएंस पे प्लेस्ड है टर्की, तो जियोपॉलिटिकली जो टर्की की लोकेशन है ये इसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, समझ गए। तो इसी एडवांटेज को पूरी तरीके से टर्की उठाने की कोशिश कर रहा है, और टर्की मल्टीलेटरल जगहों पर अलग अलग तरीके से इंगेज कर रहा है। जैसे सीरिया और इराक में कुर्ड के साथ टर्की का मिलिट्री पोस्चर अलग है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बगदाद में जो इराक की सरकार है उसके साथ डील करने का तरीका अलग है। कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट अरबिल में उसके साथ डील करने का तरीका अलग है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब जैसे फॉर एग्जांपल अजरबैजान आर्मेनिया वॉर की बात करो, तो इस पर्टिकुलर वॉर में टर्की ने अजरबैजान का सपोर्ट किया, आर्मेनिया हार गया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर्मेनिया के साथ ये टर्की ने अपने लिंक बना के रख रखे हैं थ्रू रशिया, तो ऐसा भी नहीं है कि आर्मेनिया के साथ बिल्कुल ही टर्की ने अपना लिंक तोड़ दिया। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि आर्मेनिया जो हारा है अजरबैजान से, अजरबैजान को बैक एंड से टर्की से बहुत सपोर्ट मिला है। तो कुल मिला के ओवरऑल अर्डोगन मल्टीपल लेवल पे पॉलिटिक्स करके अपने टर्किश इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप को कैलिफ की तरह सामने रख रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन जीत पाए। वो कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर शॉम्बी शार्प का लिखा हुआ एक आर्टिकल है, न्यू लीज ऑफ लाइफ और क्लाइमेट एक्शन, शॉम्बी शार्प, अतुल बगई और शोको नाडो का। लाइफ मतलब द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन। इंडिया का जो ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस का सिद्धांत है उसके साथ थोड़ा मैच करता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन। इस समय में दुनिया टर्मोइल में है, बहुत सारी क्राइसिस हमारे सामने आके खड़ी हुई हैं। COVID-19 से रिकवरी करनी है, एनर्जी, फूड और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ये सब हमारे सामने है। अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें क्या बोला कि जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्स हैं ये ज़्यादातर कंट्रीज में पिछले 2 सालों में कम हुए। अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस, पोल्यूशन की क्राइसिस और बायोडाइवर्सिटी लॉस की क्राइसिस के चलते इस समय पर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस साल ग्लोबल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वेदर हमको सामने देखने को मिले हैं। पेरिस एग्रीमेंट और COP26 समिट जो कि ग्लासगो में हुई उसने साफ साफ ये बोला कि अगर कलेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए, एमिशंस को लिमिट नहीं किया गया तो ओवरऑल हम चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा बदल नहीं पाएंगे। जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर को रोकने का, वो अगर हम फुलफिल नहीं कर पाए, अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तक हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज को रोक पाते हैं तो जाके कहीं ना कहीं हम कैटेस्ट्रॉफ को अवर्ट कर पाएंगे। नहीं तो कैटेस्ट्रॉफ इस लेवल पे आएगा कि ह्यूमैनिटी समझ भी नहीं पाएगी कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी के समय पे जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जो अलग अलग प्रकार की कंट्रीज जिस प्रकार से
अपनी क्लाइमेट डेडलाइंस को पूरा कर रही है, ऐसा लग नहीं है रहा है कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक पाएंगे अपने क्लाइमेट राइज को। बड़े आराम से क्लाइमेट राइज 2 डिग्री सेंटीग्रेड को ओवरशूट कर जाएगा। अब इस बीच में एक सिद्धांत दिया गया है लाइफ का, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसको अनाउंस किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 नवंबर 2021 में इसको अनाउंस किया गया, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को लार्जर देन लाइफ चैलेंज की तरह लेके चलना, ये जो लाइफ है ये रिकॉग्नाइज करता है स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस को, जिससे ओवरऑल पूरा का पूरा बैलेंस प्लैनेट अर्थ के फेवर में जाए। एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक ऐसा ग्लोबल मूवमेंट, एक ऐसा गाइडिंग फ्रेमवर्क जो कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को पैन वर्ल्ड मेंटेन करे, बैलेंस पे लेके आए। मैं आपको सिंपल बता दूं, यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बोल बच्चन में घुसने के बजाय लाइफ नाम की ये स्पिरिट क्या है और इस स्पिरिट को प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार से प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो आप घर पे एनर्जी की वेस्टेज मत करिए, एनर्जी को सेव करिए। ड्राइविंग के लिए अपनी खुद की सेल्फ ड्राइव कार ना इस्तेमाल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, या अगर घर के पास है आपका ऑफिस तो साइकिल चला के वहाँ पे जाएं। प्लांट बेस्ड फूड खाएं, नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा ना खाएं, कम बर्बादी करें। एज कस्टमर्स और एम्प्लॉयज क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस को अडॉप्ट करें। और ये सब बातें खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो एक्स्ट्रा आप कह लो कंज्यूमरिस्टिक टाइप की है। एक डाटा यहाँ पे दिया गया है कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर, एक हाई इनकम कंट्री जैसे कि USA या स्विट्जरलैंड, यूरोप की कंट्री, वहाँ पे एक इंडिविजुअल 80 टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसका एवरेज कार्बन फुटप्रिंट 80 गुना ज़्यादा है फ्रॉम अ पर्सन इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि कैमरून की बात कर लो, घाना की बात कर लो, बुर्किना फासो की बात कर लो, इस प्रकार नाइजीरिया, इस प्रकार कंट्रीज़ की अगर आप बात कर लो, तो यहाँ पे रहने वाला इंडिविजुअल और USA में रहने वाला इंडिविजुअल इन कंट्रीज़ के इंडिविजुअल से 80 गुना ज़्यादा कार्बन कंज्यूम करता है, या कार्बन फुटप्रिंट है उसका, उसकी एक्टिविटी से कार्बन एमिशन बढ़ता है, ठीक है। दुनिया में जो 50% सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं ओवरऑल उनका कंजम्पशन देख लो, और 1% दुनिया के वेल्दीएस्ट का कंजम्पशन देख लो, तो 1% दुनिया का वेल्दीएस्ट दुनिया के 50% गरीब से बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुल मिला के यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नो डाउट कंट्रीज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है ये जो ग्लोबल चैलेंज क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको अरेस्ट करने की। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी एज इंडिविजुअल, वी एज सिटीजन्स, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ओवरऑल एक्स्ट्रा कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड को छोड़ के सस्टेनेबल तरीके से काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैफेटेरिया में अगर फूड प्रोवाइड किया जाए तो छोटी प्लेटों में प्रोवाइड किया जाए ताकि फूड का वेस्टेज कम हो। जो रिसाइकिलिंग बिन्स होते हैं जिसमें आप चीज़ें डाल दो वो रिसाइकिल हो जाती हैं, उन बिन्स को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि लोग रिसाइकिल बिन्स में चीज़ों को ज़्यादा डालें। साइकिल पाथ्स बनाए जाए ताकि लोग साइकिल ज़्यादा करें, अपनी खुद की कार कम चलाएं, क्योंकि खुद की कार कम चलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कम होंगे। कंजम्पशन हैबिट्स को अगर लोग बदलते हैं, ठीक है ना, और प्रो प्लैनेट सिद्धांत पे चलते हैं। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और इस समय पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल, वो भी इंडिया में आया, एंटोनियो गुटेरेस साहब, इन दोनों ही लोगों का ये बोलना है दुनिया के सारे कंज्यूमर्स को कि 2027 तक प्रो प्लैनेट पीपल होना चाहिए। मतलब हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जिससे ओवरऑल हम खुद कंजम्पशन को कम कर सके। कंट्रीज तो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, लोगों को भी इंडिविजुअल बेसिस पे बीड़ा उठाना पड़ेगा अपने कंजम्पशन प्रैक्टिसेस को स्टेबलाइज करने का, क्योंकि इसी के दम पे आगे आने वाले समय में हम अपने एक्स्ट्रा कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट को छोड़ के सस्टेनेबल तरीके से जी सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी साहब ने बोला है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो कहीं ना कहीं अगर इस लाइफ टू क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को हम माने, सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करें, एक बैलेंस्ड वे में चीजों को लेके चलें, तो डेफिनेटली हम ग्राउंड लेवल पे चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कंट्रीज के साथ साथ दुनिया का हर नागरिक कहीं ना कहीं क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है भाई। फिर पॉलिटिक्स और मदरसा सर्वे, शेख मुजीबुर रहमान साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसा सर्वे की बात की, अब कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि ये गलत है, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि ठीक है भाई अगर सर्वे हो रहा है तो सर्वे कराने में क्या प्रॉब्लम है।
अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये आइडिया आया, ऐसा ही एक आइडिया आसाम के चीफ मिनिस्टर बिसंत विश्वकर्मा ने बोला कि भाई मदरसा नाम के शब्द पे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये शब्द ठीक नहीं है। फिर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब पुष्कर सिंह धामी ने बोला कि हम भी उत्तराखंड के अंदर एक मदरसा सर्वे कराएंगे उत्तर प्रदेश की तरह। अब इस मदरसा सर्वे को लेके मौलाना अरशद अदामी जो कि दारुल उलूम दियोबंद के हेड है, इन्होंने बोला कि भाई जो भी मदरसा के उलेमा है वो इस पर्टिकुलर सर्वे में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करें। अब बात यह है कि मदरसा को लेके इतनी पॉलिटिक्स क्यों है? क्या मदरसा सर्वे करवा के मेजोरिटेरियनिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी प्रकार का प्रेजुडाइस रखा जा रहा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट? क्या हिंदू राइट विंग और इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट फिर से कोई एक फ्रंट बैटल खुलने की कोशिश कर रहा है? क्या मुस्लिम आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारे लोगों के हिसाब जो इंडिया में मदरसाज हैं, दे आर नर्सरीज ऑफ रेडिकल इस्लाम। यहाँ पे इस्लामिक टीचिंग की गाइज में उनको रेडिकलाइज किया जाता है, उनको उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती है, और इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को 9/11 के बाद इसने आग पकड़ी है। ठीक है, वॉर ऑन टेरर जब डिक्लेयर किया था यूएस ने, उसके बाद बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई मदरसा को एज ए मीडियम इस्तेमाल करके मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है। अब एक खास बात है, दुनिया में क्या हो रहा हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये बात बिल्कुल सच है कि अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन मुस्लिम्स को कम खींच पाए। ठीक है ना, नोट, ऐसा नहीं है कि इंडियन मुस्लिम्स रेडिकलाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया से लोग आइसिस या फिर ये क्या नाम से आइसिल के लिए लड़ने नहीं गए अफगानिस्तान में या सीरिया में इराक में, ये सब हुआ है, बट एक कम क्वांटिटी में हुआ। ठीक है ना, उतने बड़े प्रपोर्शन में नहीं हुआ। इंडिया में भी मुस्लिम्स रेडिकलाइज हुए हैं, बट एक कम प्रपोर्शन में रेडिकलाइज हुए हैं। तो ये आप कह सकते हो कि इंडियन आप कह लो डेमोग्राफी का एक प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे रेडिकलाइजेशन पर मतलब परसिस्टेंट है, बट उस लेवल पे नहीं है। फिर बात की जा रही है यहाँ पे सचार कमेटी रिपोर्ट की। सचार कमेटी रिपोर्ट 2006 में रिलीज हुई थी, जिसने एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे ये बोला था कि भाई 3% मुस्लिम चिल्ड्रन इंडिया के अंदर मदरसा में जाते हैं नेशनल लेवल पे। और मदरसा और एक चीज़ होती है मकताब, मकताब बेसिकली नेबरहुड स्कूल्स होते हैं जो मॉस्क के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों को मकताब भेज दें रिलीजियस एजुकेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे माँ बाप मकताब में नहीं भेजते हैं, जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं उनकी भी एस्पिरेशन होती है कि जो उनका बच्चा है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े ताकि जल्दी अच्छा कमाए। लेकिन मुस्लिम पेरेंट्स बहुत सारे केसेस में अपनी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन के चलते अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना। तो ज़रूरी यह है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके जो मुस्लिम फैमिलीज से फाइनेंशियली ट्रबल्ड, फाइनेंशियली डिसएडवांटेज मुस्लिम फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनको प्रोएक्टिव बेसिस पे अगर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो ये जो थोड़े मोड़े डाउट्स हैं लोगों के कि हाँ भाई मदरसा या मकताब में रेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और देखिए पूरी तरीके से झूठ नहीं है, बहुत से ऐसे मदरसाज होंगे जहाँ पर रेडिकलाइज्ड इस्लाम की गलत शिक्षा दी जाती होगी इन बच्चों को, तो उसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सारे बच्चों के पास एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड करिए, अपने आप ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। बट अब आप सोचो ये कितना इलॉजिकल सॉल्यूशन है। क्या आसान है इंडिया के अंदर सारे बच्चों को आप कह लो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाना? हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीज़ें हैं इंडिया का हर इंसान जानता होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं कि हम प्रोवाइड कर पाए, ये बातें हैं। फिर अगला मर्डर्स मोस्ट फाउल, कश्मीरी पंडित, एक और कश्मीरी पंडित फार्मर को शोपियान साउथ कश्मीर में मार दिया गया। माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का एक और इंस्टेंस, इस साल 6 कश्मीरी पंडित को मारा जा चुका है। ये जो मारने का प्रोसेस है ये साफ साफ ये दिखाता है कि ये टेररिस्ट भड़बड़ा गए हैं सरकारी पॉलिसी से। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑथर ये बोल रहा है कि ये भी दिखाता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से और 35A को हटाने से वायलेंस कम नहीं हुआ है, वायलेंस बढ़ रहा है, तो पूरी तरीके से सरकारी पॉलिसी सक्सेसफुल भी नहीं हुई है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, बहुत ही दुख की बात है कि आए दिन एक इंसान की मौत की खबर हमको यहाँ पर सुननी पड़ती है। तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर डिस्कस करने के लिए है नहीं और ज़्यादा कमेंट में करना भी नहीं चाहता, चूँकि इस प्रकार के टॉपिक्स में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। फिर अगला है ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, शॉकिंग लैप्सेस मार अरुगुमस्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। देखिए, जयललिता जी की मृत्यु को लेके पहले कई बार इन्वेस्टिगेशन आ चुकी है। एम्स की एक प्रॉपर कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने साफ साफ ये बोला था कि अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे जयललिता जी को एडमिट किया गया था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारे मेडिकल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जयललिता जी को ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पे अरुगुमस्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट आती है जो कि इल्ज़ाम लगाती है कुछ लोगों के ऊपर,
एक तो जयललिता की एड वी के शशिकला के ऊपर इल्जाम लगाती है, फॉरेन हेल्थ मिनिस्टर सी विजय भास्कर के ऊपर इल्जाम लगाती है, 2 IAS ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाती है, 3 डॉक्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाती है और ये बोलती है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहनी चाहिए। तब सबसे खास बात यह है कि क्या एक इन्वेस्टिगेटर अपनी विम्स और फैंसी के हिसाब से कुछ भी कर सकता है? जो इन्वेस्टिगेटर के दिमाग में आ रहा है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिख देगा? अरे जब ऑलरेडी एम्स की एक्सपर्ट लिस्ट बोल चुकी है कि अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो बेस्ट मेडिकल प्रोसीजर था वो यहाँ पे दिया है जयललिता को, तो कौन से बेसिस पे फिर से डॉक्टर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चलाने की बात कर रही है यह अरुमुगस्वामी कमिटी रिपोर्ट? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये अरुमुगस्वामी कमिटी रिपोर्ट ये क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रही है कि जयललिता जी को फॉरन क्यों नहीं भेजा गया इलाज कराने के लिए, जबकि ये बात प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड है कि जयललिता मैडम ने खुद ही मना कर दिया था फॉरन जाने से इलाज के लिए। तो जस्टिस अरुमुगस्वामी रिपोर्ट ने प्रॉपर तरीके से जयललिता जी की मौत की कंट्रोवर्सी को बंद नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन को फर्दर आगे चलाने को बोला है। इससे इस बात को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स का प्रॉपर एक कह लो रिस्पॉन्सिबल रोल होना चाहिए। इरिस्पॉन्सिबिलिटी में जो रोल प्ले किया जा रहा है उससे ये चीज निकल के आ रही है कि जो रिपोर्ट पहले बंद हो जानी चाहिए थी वो टिल परपेचुइटी एक्सटेंड होती ही जा रही है और यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि एम्स की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी ये रिपोर्ट दे चुकी है कि डॉक्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो यहीं खत्म हो